कि रावण हमको उठा के ले जाए ना ले जाए, लेकिन तुमको घसीटा के ले जाएगा। तो कह रही हो कि हमारी सेहत पे नजर न लगाओ। अरे सिर्फ सोच लिया कि हम आपकी सेहत पे नजर लगाएंगे, हम तो माता रानी से यही कृपा करते कि थोड़ी और सेहत मिल जाए। मोनू लेकिन फिर आप कह रही हो कि हम तो उठा के गाड़ी में दिखाई नहीं पाओगे। रोशनी जी समय आने दीजिए, जब समय आएगा तो अगर हमें मालूम हुआ तो हम तुमको गोदी में उठा के अगर बिठा ना दे तो छोटी बहन हो छोटी ही रहोगी। जितेंद्र रिक्शा चला। ईद का जवाब सवाल पीछे छूट गया, उससे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। एक बात कहना चाहूंगा, कहो बेटे, जो जी में आए तो कहो। गुजर जाता है तो आदमी अपनी ही मंजिल पे ठहर जाता है। तो एक बिगड़ी हुई किस्मत पे ना हंसना है दोस्त, क्योंकि वक्त के दौर में इंसान संभल जाता है। हमसे कह रही हो कि गाने बजाने में आप लहराते हैं। रोशनी जी इसीलिए कहता हूँ कि तुम्हारी जो सेहत है वो बस दिखाने लायक है। हेलो, मैंने पहले कहा कि जवाब ना सुना
तो कह दिया कि मेरा पति तिरंगे में लिपट के जा रहा है, लेकिन जरा एक पत्नी के हृदय से पूछिए, उसके दिल से पूछिए। मुखार बिंद से तो वो कह रहे कि मेरा पति तिरंगे में लिपट के जा रहा है, लेकिन उसकी अंतर आत्मा क्या कह रही है सुनिएगा, सुनिएगा जरा। उसकी अंतर आत्मा कह रही है क्या, रोते है सजना मुझसे, Thank you.
माँ मंगला देवी शांति हरदोई से आप हैं, आपकी ओर से पुनः 21 मत मंत्राए प्राप्त ये नमन वंदन है। और राजेश भाई बस कुछ क्षण बाद हमारी आपकी मुलाकात होगी, सब आप जाएंगे। अब आइए अपनी ओर से गीत गाने का प्रयास करता हूँ। एक गीत बजा भावना भावना में भरी है।
मगर सम्मान नहीं। और मुकुट पैसा से खरीद पहन लेंगे, लेकिन सम्मान पाने के लिए लोगों के दिलों में जगह बनानी पड़ती है। क्या बात है, इसलिए कह रहा हूँ धन से मिलता है ताज मगर सम्मान नहीं। मिलती है डिग्री धन से लेकिन ज्ञान नहीं। ज्ञान के लिए अध्ययन करना पड़ता है। फिर भी पूछता हूँ आप लोगों से, क्या ना बाप पढ़ा ना भैया है, ना बाप पढ़ा ना भैया है, क्यों सबसे बड़ा रुपया है? कि पैसे की, इस पैसे की चाहत ने मति मानो की हरी। इसका कारण दुर्भावना भावना में भरी है। जुल्मों से बनी है। कारण बस वही है।
रही हो तो कह के तो देखो, हम खरीद के लाके देंगे। ये बात है, आई हो तो ऐसा हमास। चलिए, लेकिन टोपी पहनेगा तो अब वो ये जाते ही यही फैसला करेंगे। आइए एक खंड गीत सुना रहा हूँ। हाँ, खंड गीत में थोड़ा सा आनंद है लेकिन एक कटु बात भी लगी लगी। सुने सुने सुने। धीरे धीरे
किया क्या? क्या लड़ाई झगड़ा जवाब सवाल सास ससुर से काम करवाने लगी। बहुत समझाया बुझाया कुछ पल्ले नहीं पड़ा तो वो पति पहुंच गया कोर्ट। वो कहा क्या मुझे अपनी पत्नी से तलाक चाहिए और आज ही। लेकिन पत्नी तलाक देने के लिए तैयार ना हुई। अरे जिसे सुख सुविधाएं मिल रही हो वो तलाक क्यों दे? उसने कहा नहीं मुकदमा चालू हो गया। एक समय ऐसा आया कि उस लड़की का वकील पति को कटघरे में खड़ा करता है और उस लड़की के पति से वो वकील सवाल कर रहा है। वो कहता है कि सात जन्म के रिश्ते को खेल समझते हो, क्यों तोड़ना चाहते हो ये रिश्ता? तो पति कहने लगा कि वकील साहब सुनो, मैं तोड़ना चाहता हूँ। सुनो सुनो साहब सुनो। कहने लगा छोड़ना नहीं पर कह रहा है कि वकील साहब कोई निभाएगा भला, कोई निभाएगा भला कैसे सातों जन्म। आप कह तो रहे कि सात जन्म के रिश्ते को क्यों तोड़ना चाहते हो, लेकिन सुनो मैं क्यों तोड़ना चाहता हूं। निभाएगा भला कैसे सातों जन्म, बीबी जिसको मिले ऐसी उसके फूटे कर्म। कोई निभाएगा भला कैसे सातों जन्म, कोई निभाएगा भला कैसे सातों जन्म, जिसने हमें पाला पोसा माता पिता उस माँ को सदा इसने कोसा, जिसने हमें पाला पोसा उस माँ को बहू नहीं समझा। समझा क्या? क्या जिसने इसे समझा बेटी उस माँ की ममता पल में बेटी है। एक गिलास पानी ले आओ तो कहती है कि फ्रिज में बोतल लगी हुई है, जाके फ्रिज से निकाल कर पी लो, मैं आऊंगी। अगर मैं आऊंगी तो मेरा सास बहू का सीरियल छूट जाएगा। सब आप ही बताए कि जिसने इसे समझा बेटी उस माँ की ममता पल में बेटी। ममता पल में बेटी।
नीलामी हो गई। और क्या, अपनी झोपड़ी की जगह को देखकर कह रहे हैं,
क्या कि झोपड़ी जहां थी वहां पहले हजरिया आवाज नहीं मिली तो आपको उम्र ठीक रहा, यानी घर तो गया, अब घर भी तो रोटियों का दिक्कत हुई। कहने लगे कि झोपड़ी जहां थी वहां पहले अटरिया, ओ हेरी हेरी यार नहीं मिला तू मेहरिया, सुधर सफर पथरीला हुआ पथरीला हुआ पथरीला हुआ। गरीबी महाता गीला हुआ गरीबी महाता गीला हुआ कि उन आंखों का हंसना भीग
ये 51 मत मुदाए जिस समिति द्वारा ये कार्यक्रम आयोजन किया गया है, उच्चेश्वर बाबा
इस समित की ओर से इक्यावन मुद्राएं प्राप्त हुई है और बहुत धन्यवाद है, नमन है, वंदन है। और पुनः इसी समिति के द्वारा 51 मुद्राएं पुनः प्रदत्त की गई है। हम इस समिति के लिए बाबा जी से ढेर सारी शुभकामनाएं करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है आप सभी का। इसी के साथ मैं अपने कार्यक्रम को भी यही विराम देता हूँ। जाने अजाने में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। जब कभी हम कलाकारों को आप आदेश करेंगे हम लोग उपस्थित होंगे, लेकिन तब तक के लिए जय भोलेनाथ की, जय माता की, जय बाबा की। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।